हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। स्वागत है आप सब लोगों का सुमन ब्लेज ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे। तो आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ मेरे मम्मी के घर से। तो वहाँ पे मालपुए बन रहे थे तो मैंने थोड़ा सा जो वीडियो शूट कर लिया था। अभी मैं वहाँ पे गई नहीं हूँ, बट वहाँ पे मेरे भाई ने वीडियो शूट करके भेजा था तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो मालपुए बन रहे थे तो देखो किस तरीके से बन रहे हैं। गोल गोल सब हो चुका था, उसके बाद मैंने फ़ोन किया था तो मुझे पता चला कि मालपुए बन रहे हैं। तो मैंने बोला कि थोड़ा सा वीडियो शूट कर लो तो मैं अपने चैनल पे अपलोड कर दूँगी। तो किस तरीके से बन रहे हैं आप देख लीजिए फटाफट से, और मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। वैसे आप लोगों ने अपने घर पर कभी कभी बनाए होंगे, खाए होंगे, और ये बिल्कुल जैसे हलवाई बनाते बस वैसे बन रहे हैं। हमारे घर भी हलवाई मेरे पापा के दोस्त थे तो मेरे घर पर बनाने के लिए आ गए थे। तो किस तरीके से बिल्कुल मार्केट जैसे बन के रेडी हो रहे हैं। आलू की सब्ज़ी बनाई थी जो मार्केट में मिलती है, और जो पुए मिलते हैं वैसे ही सेम टू सेम पुए वैसे ही बनाए थे, और बहुत ही अच्छे बन के रेडी हुए हैं। तो आप लोग खुद ही देख लीजिए किस तरीके से बनाते हैं। रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ, नहीं तो शुरुआत से लास्ट तक बताती, बस ऐसे थोड़ा सा शूट किया था बस वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और ये है मेरे मम्मी के घर की किचन, तो वहीं पे बन रहे हैं, मेरे घर पे नहीं बन रहे। मेरे घर पर बनते तो मैं रेसिपी शेयर करती पूरे। तो ये सीख गए हैं एक साइड, तो इनको पलट देते हैं और अच्छे से इनको सेंके। इनका कलर भी देखो कितना अच्छा लग रहा है। आप लोग ज़रूर बताना कि आपको कैसे लगे। तो अच्छे से दोनों साइड से सेकना है। लॉकडाउन में क्या करे घर पे बैठे बैठे, थोड़े अच्छा अच्छा खाना खा के टाइम पास करें। तो ये सीख गए हैं, बस निकालना किस तरीके से आप लोग देख लीजिए, एक के ऊपर एक कैसे रखना है इस तरीके से, फिर इनको सबको एक साथ पकड़ना है जो हमारा चिमटा होता है उससे इस तरीके से। इसका एक्स्ट्रा तेल होता है वो सब निकाल देना है, फिर हम रखेंगे इस थाली में, जिससे इसका एक्स्ट्रा तेल होगा वो सब बाहर निकल आएगा। तो हमारे पुए हो गए रेडी, तो अभी दूसरी बार बनेंगे। सभी रेडी हो गए हैं तो ज़रूर बताना कि आपको कैसे लगे, अच्छे लगे हों तो। तो ये ब्लॉग है मेरे घर का, मैंने दोनों मिक्स कर दिए थे। मैंने आलू बॉईल किया अभी दोपहर का टाइम है, मेरे हस्बैंड का व्रत था कल शनिवार था तो उसका, तो मैंने आलूओं को बॉईल किया है, फिर उनको घी में तल दिया है और उसमें टुकड़े कर देते छोटे छोटे। उनको नमकीन आलू ज़्यादा पसंद है तो मैं वही बना रही हूँ इस तरीके से। थोड़ी देर पहले उनको पूरा सजा भुनना, उसके बाद उसके टुकड़े करने हैं। और मैं मेरे लिए बनाऊंगी पराठे आलू के, दो तीन आलू मैंने बचा ली उसी में से। तो अब उसमें डालूंगी प्याज काट के। दोनों काम साथ में ही करती जा रही हूँ कि आलू भी तल रहे हैं और पराठे की भी तैयारी करती जा रही हूँ। और टमाटर काट के रख लिए हमने जो हमने आलू में डालना है। अच्छे तरीके से हमको आलू को फ्राई करना है पहले अच्छे से, फिर हम टमाटर डालेंगे उसमें, और इसमें हम ऐड करेंगे व्रत वाला जो नमक आता है वो। तो अच्छे से टमाटर को भुनने देते हैं, तब तक हम अपने आलूओं में डालेंगे अदरक थोड़ा सा, और दो मिर्ची मैंने काट के डाल दी है। अब हम लेंगे व्रत वाला नमक तो वो डाल देंगे। फिर उसे अच्छे से चला लेंगे। नमक डालने से होता है क्या है कि जल्दी से पक जाते हैं टमाटर और आलू, जल्दी से अच्छे से गल जाते हैं, और नमक बाद में डालते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है। मैंने लहसुन ले लिया एक दो कली, तो लहसुन को छील के डाल लेती हूँ मैं। ये सब जो आलू जो प्याज और ये रख के उसके मैं पराठे बनाऊँगी,
तो किस तरीके से बनाऊंगी आप भी बने रहना। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरे ब्लॉग या वीडियो रेसिपी कैसे लगते हैं, पसंद आते तो भी बताना और कुछ कमी है तो भी बताना। तो मैंने लहसुन को छील लिया है 2-3 पोती, तो उनको मैं कट कर लेती हूँ। अब मैं डालूँगी इसमें धनिया, लिमड़ी पत्ते डाले पहले यानी कि कड़ी पत्ते 2-3। अब मैं डालूँगी धनिया, धनिया को धो लेती हूँ अच्छे से, फिर बारीक बारीक काट कर डाल देती हूँ। और आपके यहाँ का कैसा माहौल ज़रूर कमेंट करके बताना। तो मैं कचड़ा बाद में फेंकने जाऊँगी, थैली में भर के रख दिया है। तो अभी लगभग हमारे आलू हो गए हैं तो मैं उनको ढक के रख देती हूँ। अब बारी है मेरे पराठे की, तो मैं पराठे में क्या क्या डालती हूँ अभी बताते चलती हूँ आप लोगों को। तो मैं मसाले डालूँगी, मसाले में लाल मिर्ची पाउडर हो गया और गरम मसाला हो गया और जो हमारा धनिया पाउडर होता है वो, और नमक। और हम डालेंगे सौंफ थोड़ी सी, बस थोड़ा नीचे बैठ के डाला था ये सब सामान इसलिए दिखाई नहीं दे रहा था। तो मेरा आलू मैंने मैश करके रख लिया और आटा भी लगा लिया था, उसके बाद मैंने वीडियो स्टार्ट किया। तो किस तरीके से बनाना आप लोग देख लीजिए, इस तरीके से लोई बनाना है, उसमें आलू भर लेना है इस तरीके से, बंद करके अच्छे से लोई बनाना है और हल्के हल्के हाथों से बेलना है ऐसे। ज़्यादा टाइटली बेलोगे तो आलू बाहर आ जाएगा, पराठा फट जाएगा हमारा, तो बिल्कुल भी अच्छे तरीके से सिकेगा नहीं। तो मैं बेल देती हूँ फटाफट से, तवा हमारा हो रहा है गर्म जब, तो हमने डाल दिया है सेकने के लिए। तब तक दूसरा पराठा बेल लेती हूँ मैं इसी तरीके से। तो आज का हमारा दोपहर का यही खाना था, बस कुछ नहीं, बस आलू के पराठे बनाए थे मेरे लिए और मेरे हस्बैंड के लिए बनाए थे वो आलू जो व्रत वाले थे वो। तो मैं फटाफट से दूसरा पराठा भी बेल लेती हूँ। और मिलती हूँ अपना खाना बनाने के बाद आप लोगों से।
तो बन चुका है हमारा खाना, रेडी हो गया है। दोपहर का जो लंच होता है वो, तो हम लोग खाने जा रहे हैं। आप जिस चीज़ को खाना हो आ जाओ फटाफट से। तो ये हमारी सब्जी थी शाम की, तो वो मैं ले लेती हूँ थोड़ी सी। तो अगर आपको ब्लॉग हमारा पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक शेयर कमेंट करना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।